हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे सनस्क्रीन के बारे में कि आप अपना सनस्क्रीन कैसे चूज़ करें, सनस्क्रीन लगाने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं एंड बेस्ट होम्योपैथिक सनस्क्रीन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम सनस्क्रीन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सनस्क्रीन आखिर हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है क्योंकि ये न केवल हमें टैनिंग से बचाता है बल्कि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। आप ये जानते होंगे कि जो हमारे सन रेज होती हैं उनमें दो हार्मफुल रेडिएशन निकलता है, एक यूवीए और यूवीवी। यूवीए रेडिएशन हमारे स्किन के इनर पार्ट को अटैक करता है जिसके कारण एज स्पॉट, स्किन कैंसर और प्री मैच्योर रिकलिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यूवीवी रेडिएशन में ये हमारे सुपरफिशियल स्किन को अटैक करता है, मींस जो इस ऊपर का हिस्सा होता है स्किन का उसे अटैक करता है जिसके कारण हमें सनबर्न होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको यूवीए और यूवीवी के से प्रोटेक्ट होने के लिए सनस्क्रीन का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि हम अपना सनस्क्रीन कैसे चूज़ करें। तो अमेरिका एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी ये रिकमेंड करता है कि आप जो भी सनस्क्रीन यूज़ करें वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, यानी यूवीए और यूवीबी दोनों रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट कर सके, उसका एसपीएफ 30 या 30 से ज़्यादा हो और वो वाटर रेसिस्टेंस हो। ये हर सनस्क्रीन की बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आप जब भी सनस्क्रीन खरीदें तो इन तीन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। देन एसपीएफ के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एसपीएफ का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्टर फैक्टर। इसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो आज इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि SPF अगर 30 है आपके सनस्क्रीन का, उसका मतलब होता है कि वो आपको 96-97% सन रेडिएशन से बचा सकती है। देन अगर आपका SPF 40 है, 40 प्लस है, इसका मीनिंग होता है कि वो आपको 97-98% बचा सकती है। अगर आपकी क्रीम का SPF 50 है, उसका मतलब है कि वो आपको 98-99% बचा सकती है। कोई भी सनस्क्रीन आपको 100% रेडिएशन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, इसलिए अगर आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव है तो आप कॉटन क्लॉथ और यूवी प्रोटेक्टर सनग्लासेस का यूज़ ज़रूर करें। अब बात करते हैं बेस्ट होम्योपैथिक सनस्क्रीन के बारे में। तो होम्योपैथिक में सबसे अच्छी सनस्क्रीन है सन केयर क्रीम जिसका SPF 30 होता है। इस क्रीम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके स्किन किसी भी तरह की हो, मींस ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, ये दोनों के लिए ही कंफर्टेबल होती है। आप इसे अगर यूज़ करते हैं तो ये आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती है और ये आपको टैनिंग से बचाता है। तो आप जब भी घर से बाहर निकलें 10 मिनट पहले इस क्रीम को यूज़ कर लें। देन सेकंड क्रीम होती है एडवन नेचुरल क्रीम, इसका SPF 40 होता है, ये वाटर रेसिस्टेंस होती है और ये UVA UVB दोनों रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करती है और ये आपको स्किन कैंसर से भी बचाती है। इसके अंदर भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। ये आपके जो डल स्किन हो गई है अगर सन से, या आपके अंदर टैनिंग बहुत ज़्यादा आपकी स्किन में हो गई है, ये उसको भी दूर करने में मदद करती है। तो आप इन दोनों में से कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। आप इन सनस्क्रीन को ज़रूर यूज़ करें, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।